अम्बानी परिवार की छोटी बहू और बॉलीवुड एक्ट्रेस टीना मुनीम को देवानंद ने पहली बार एक मैगजीन के कवर पेज पर देखा था और फिर उन्होंने उन्हें अपनी 1978 में आई फिल्म देश परदेश में मौका दिया था, जो टीना की डेब्यू फिल्म भी थी। उस समय इनकी एज महज 21 साल की थी। इसके बाद टीना ने कई फिल्मों में काम किया, जिनमें बातों बातों में, कर्ज, आपके दीवाने, खुदा कसम, ये वादा रहा, आखिर क्यों जैसी कई बेहतरीन फिल्में थी। ये आखिरी बार 1991 में आई फिल्म जिगरवाला में नजर आई थी। टीना और संजय दत्त का रिश्ता काफी सुर्खियों में रहा है। टीना रॉकी फिल्म में संजय दत्त के साथ नजर आई थी और इसके बाद इनके अफेयर के चर्चे काफी सुर्खियों में रहे। संजय दत्त ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें टीना बहुत पसंद थी। हालांकि जब संजय दत्त और टीना अलग हुए तो इनकी जिंदगी में अनिल अंबानी की एंट्री हुई। अनिल ने पहली बार टीना को एक वेडिंग सेरेमनी में देखा था। इसके बाद अनिल लंबे समय तक टीना को इम्प्रेस करने की कोशिश करते रहे और आखिरकार 4 साल बाद 1991 में इन्होंने टीना संग शादी कर ली थी। टीना और अनिल के 2 बेटे हैं। टीना मुनीम 66 साल की हो चुकी हैं और आज भी बेहद खूबसूरत दिखती हैं।